जी, सो दिस इज नाउ वी आर टू स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ द असर्शन रीजन बेस्ड अपॉन द चैप्टर दैट इज सेल्फ फॉर रिवीजन टेस्ट वन दैट इज गोइंग टू बी ऑन मंडे. इफ मंडे विल बी अ हॉलीडे इट विल बी पोस्टपोन्ड टू ट्यूजडे. ओके, देन योर टेस्ट इज ओनली फ्रॉम द चैप्टर सेल्फ फॉर बायो कंटेंट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एडेड. यू विल बी गेटिंग द बायोज डिफरेंट लिंक सेपरेट लिंक फ्रॉम फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. अ सेपरेट लिंक विल बी सेंड फॉर द बायोज टेस्ट राइट. एंड हाँ, होपफुली सो दिस इज सेल चैप्टर का आपको जो लिंक है RD1 का जो लिंक है आपको अलग से आएगा. एंड ऑल्सो यू विल बी गिवन अ पर्टिकुलर टाइम आफ्टर द 2:00 दैट इज बाई 2:40 आई गेस टूगेदर ऑल द लिंक्स विल बी क्लोज. इट इज अप टू यू. यू स्टार्ट विद फर्स्ट विच सब्जेक्ट एंड सेकेंड विच सब्जेक्ट एंड ऑल. एंड आफ्टर कम्प्लीटिंग योर टेस्ट यू प्लीज सेंड द स्क्रीन शॉट ऑफ योर मार्क्स टू मी. दोज हु आर नॉट गोइंग टू सेंड इट दे विल नॉट बी गिवन द मार्क्स. ओके, इन द बायो ग्रुप ओनली. इन द बायो ग्रुप ओनली यू सेंड द स्क्रीन शॉट ऑफ द मार्क्स यू ऑब्टेन फ्रॉम दिस. वेरी सीरियसली यू टेक द स्क्रीन शॉट. एज यू सबमिट यू जस्ट क्लिक अ स्क्रीन शॉट. एज यू सबमिट क्लिक अ स्क्रीन शॉट एंड लेटर ऑन यू कैन जस्ट सबमिट टू ऑल द 3 टीचर्स. ठीक है, सो दिस इज फॉर बायो. यू विल बी सेंडिंग मी द स्क्रीन शॉट एज वेल राइट. सो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड वन केस बेस्ड क्वेश्चन. मे बी फॉर द रिविजन टेस्ट ऑल्सो यू विल बी गेटिंग अ केस बेस्ड क्वेश्चन with one or two of the questions following the case, right? You can also get the assertion reason questions. Assertion reason कैसे solve करना है ये हम पहले discuss कर चुके हैं और आज मैं आपसे assertion reason questions ही पूछने वाली हूँ. ठीक है, then is next along with this you will be also getting the MCQs. So this is your paper pattern as well as your pattern of the revision test. Okay, you may or may not get the case based question from bio. Right, you may or may not get the case-based question in your exam, but here in revision test you will get. Right, assertion reason and MCQs will surely be there in both the exams, in your revision test as well as your exams of the term one. Okay, so this is assertion reason and MCQ. अब MCQ जो हैं आपके वो different different types के आते हैं. किस किस तरह के हो सकते हैं आपके MCQs? Just listen. One are the simple statement questions. सीधा ही क्वेश्चन डाल दिया, चार आंसर दे दिया, यू आर टू डू जो आप पहले करते रहे हो अपनी जूनियर क्लासेस में. यू मे ऑल्सो गेट टू हैव द ट्रू फॉल्स टाइप ऑफ द स्टेटमेंट्स. आपको सिंपल एक स्टेटमेंट दे दिया, आपको पूछते हैं कि वो ट्रू है या फॉल्स है. ठीक है, आपको एक स्टेटमेंट दे दिया, नीचे ऑप्शन दे दिया, ट्रू फॉल्स कांट से कांट डिसाइड. ठीक है, कुछ भी ऐसा, नन ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज, कुछ भी ऐसा. ठीक है, तो वो ऑप्शन के साथ आपको यहाँ पे आंसर दिया जाएगा. कई बार एमसीक्यू के सिर्फ दो ऑप्शन भी हो सकती है, दैट इज ट्रू और फॉल्स. जरूरी नहीं है, इट इज नॉट मैंडेटरी दैट इट शुड बी फॉलोड विद ABCD चारों. ठीक है, सो ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स हो सकती हैं. ब्लैंक्स की फॉर्म में MCQs आ सकते हैं आपको. ब्लैंक्स कैसे होते हैं, जैसे जूनियर क्लासेस में बैक एक्सरसाइज करते थे ना, वैसा वाला काम. अब ब्लैंक्स की फॉर्म में कैसे आएंगे? सिंपल, आपको एक सेंटेंस दे दिया, लिविंग 2 or 3 ब्लैंक्स एंड देन यू विल बी गिवन द आंसर्स. नीचे आंसर्स विल बी तीनों के रैंडम. ठीक है, इंटरमिंगल सा करके आपको आंसर दिया जाएगा. You will be choosing the option जो correct sequence में तीनों blanks को fill करेगी. समझ आ गई? Correct sequence में तीनों को fill करेगी, वो नीचे option आपको दी होगी. Similarly, you can get the match columns. Matching वाले questions जो हैं वो आ सकते हैं. Match the columns. Match the column में क्या है? You are given one column, you are given another column. You have to find the suitable match. ठीक है? Options will accordingly given to you. जैसे let's say column A is this, column B is this. You are given some ABCD इस तरह यहाँ पे दी हुई है, 1, 2, 3, 4 यहाँ दिए एंड योर आंसर ऑप्शंस लाइक दिस ABCD ये कैसे हैं? यहाँ पे दिया है 1 का 2, बी का 3, लेट से ऐसे आपको आंसर ऑप्शंस दिए, C का 1, D का 4. हाँ, ये 1 mark के क्वेश्चंस हैं, तभी मैं आपको बता रही हूँ. आपको इस तरह से क्वेश्चन भी आएंगे. ठीक है, 4 questions के 4 answers हो सकते हैं. टू कंफ्यूज यू पीपल, 5 answers हो सकते हैं. हर एक आंसर के डबल आंसर्स हो सकते हैं, ट्रिपल आंसर्स हो सकते हैं, मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं. ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे 5, 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी दिया हुआ है मैंने, तो लेट से हमारी सी ऑप्शन में हमारे पास आंसर्स हैं, 1 भी है, देन 5 भी है, 9 भी है, तो ये ट्रिपल आंसर्स हैं. अब एक ऑप्शन होगा जहाँ 1, 5 लिखा है, आपने जल्दी में पढ़ा, आपने वहीं पर क्लिक कर देना, बट दैट इज रॉन्ग. यू फर्स्ट रीड थॉरली द होल ऑफ द कंसेप्ट एंड देन यू गो टू द नेक्स्ट. ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस भी होंगे. ठीक है,
देन आपको बायो में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी होंगे. डायग्राम इज गिवन एंड देन यू आर ईदर आस्क्ड टू लेबल द पार्ट्स इन अ करेक्ट सीक्वेंस, यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट द रॉन्गली लेबल्ड पार्ट. हाँ जी नहीं वो अभी सही होगा, नो प्रॉब्लम विद दैट. ठीक है तो डायग्राम में अभी क्या है कि दिस टाइम द डायग्राम जो भी आपको एमसीक्यूज में होगा इसमें या तो आपको करेक्ट सीक्वेंस में लेबलिंग बोली जाएगी या आपको इनकरेक्टली लेबल्ड पार्ट है वो ढूंढने बोला जाएगा. ठीक है या आपको पार्ट दे रही है एबीसीडी फॉर्म में एंड देन यू आर आस्क्ड टू मैच इट विद द फंक्शन. समझ गए, मैच इट विद द फंक्शन. फंक्शन आर इन लिस्टेड सेपरेटली. जैसे ये एबीसीडी के आगे आपके पार्ट लिख दिए और 1 2 3 के ऊपर हमने फंक्शन लिख दी तो ये मैच भी हो गया, डायग्राम भी हो गया, इकट्ठे दो तरह के क्वेश्चन एक में मिक्स हो गए. कुछ भी बनाया जा सकता है काइंड ऑफ एमसीक्यू. एमसीक्यूज कैन बी ऑफ द वेरिंग नेचर. ठीक है स्टेटमेंट इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है, मिसमैच पेयर कौन सा है, ऐसी बहुत सारी चीजें बन सकती हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एमसीक्यूज एंड न्यूमरस टाइप ऑफ द एमसीक्यूज स्टिल फर्दर. तो ये बन सकते हैं आपके लिए कुछ भी. एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे, बिल्कुल आएंगे. आपको जो एक्टिविटी करवाई है दैट इज द सेल अनियन पील सेल कल करवाई जो, तो उसमें से आपको क्वेश्चन एक जरूर आएगा दैट इज मे बी लेबलिंग आ रहा है, मे बी प्रोसीजर बेस आ रहा है, मे बी कंक्लूजन बेस आ रहा है, कुछ भी. ठीक है एनी क्वेश्चंस, एनीथिंग यू वांट टू आस्क. ओके सो नाउ यस धीरेन. मैम सारे क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप में ही होंगे? ये सारे एमसीक्यू टाइप्स हैं बच्चे, ये आपको सारी मैम जो केस बेस्ड और सेशन है वो भी, वो तो हाँ वो भी एमसीक्यू बेस ही होंगे. ये आपको चार ऑप्शंस दी होती हैं मैंने जो कल डिस्कस की थी एबीसीडी, और यहाँ पे केस बेस में भी आपको एक केस स्टडी दे दिया जाता है दैट इज अ बिग स्टोरी इज गिवन एज वी हैव डन ऑलरेडी फॉर द माइटोकॉन्ड्रिया वाला क्वेश्चन हमने किया था. यस मैम. तो उसमें हमने जैसे किया एक आपको बिग स्टोरी पैराग्राफ दे दिया और उसके बेस आपको क्वेश्चंस पूछ लिए, तो वैसा ही है केस बेस, लेकिन इट विल बी अगेन फॉलोड विद द एमसीक्यू आंसर्स. योर होल पेपर इज एमसीक्यू ओनली, नथिंग टू बी रिटन, बट दैट पेपर विल बी फ्रॉम योर फुल चैप्टर, कैन बी मेड इन एनी फॉर्म. ठीक है एनी थिंग कैन बी कंस्ट्रक्टेड इन एनी फॉर्म. ईच क्वेश्चन कंटेन्स 1 marks. A total of 40 questions you are going to get in your 9th paper. 40 questions will be there, all distributed among the physics, chemistry and bio. Bio के जितने भी हों, दो भी हों, तो भी आपने पढ़नी तो पूरी. ठीक है जितने भी नंबर की है यू नीड नॉट टू वरी अबाउट कि कितने मार्क्स की आ रही है बायो फिजिक्स या केमिस्ट्री. इंडिविजुअल पास होना जरूरी है. Because what the students do, they only do the 2 of the subjects. They leave the 3rd. ठीक है आपने physics और bio कर ली, let's say chemistry नहीं करी. किसी को physics नहीं आती है तो chemistry bio कर ली, physics नहीं करी. ऐसा नहीं करना है. Passing in all 3 separately is very very important. That is the only pass criteria for you all. Passing in science will be only when you will be passing in PCB together. ठीक है together नहीं sorry individually. PCB इंडिविजुअल जब आप पास होंगे तभी आप पास कहलाएंगे. हाँ जी जशन जी. बच्चे मैंने क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, जल्दी जल्दी पूछो. अनम्यूट योरसेल्फ. मैम मैंने पूछना था कि आपने जो जो पहले 2 रीजंस दिए हैं मतलब क्वेश्चंस दिए हैं वो एक्सप्लेन करना, मेरी क्लास थोड़ी लेट ज्वाइन हुई थी. वो क्या करूं, क्लास ग्रुप में डाल दूं? वो जो नहीं जो 2 पॉइंट्स आपने बोर्ड पे लिखे हैं ना, केस बेस क्वेश्चन और रिसर्चन रीजन. हाँ जी हाँ जी. केस बेस बच्चे मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ आपकी क्लास में. मैंने माइटोकॉन्ड्रिया के रिलेशन में एक बड़ा सा पैराग्राफ यहाँ लिख के दिया था आपको बकायदा विद ऑल द क्वेश्चंस एंड क्वेश्चंस फॉलोड बाय 4 आंसर्स. यू वर टू चूज द करेक्ट वन, है ना. सो ये डिस्कस ऑलरेडी हो गया हुआ है. इफ यू हैव नॉट हर्ड टू दैट लेक्चर दैट मस्ट बी देयर इन समवेयर इन वीडियोस. ठीक है तो यू कैन जस्ट चेक इट फ्रॉम द वीडियोस. एंड दैट इज द डिस्कशन ऑफ द केस बेस. असर्शन रीजन मैं अभी करने लगी हूँ क्योंकि कल इसको कैसे करते हैं वो बताया था और आज हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. यू विल कम टू नो हाउ इट इज डन, राइट. यस प्रणय. मैम बायो का रिविजन टेस्ट कितने मार्क्स का है? रिविजन टेस्ट ऑफ बायो इज ऑफ 6 मार्क्स आई गेस. 7 ऑफ फिजिक्स, 7 ऑफ केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, 7 केमिस्ट्री 7 बायो 6. एंड मैम हम प्रैक्टिकल फाइल में कर सकते हैं वो काम? प्रैक्टिकल फाइल का क्या?
मैम वो जो मैम बायो की जो प्रैक्टिकल फाइल में कर सकते हैं काम मैम एक्टिविटी। प्रैक्टिकल फाइल में ही करना है बच्चे, कॉपी में थोड़ी ना करना है। ओके मैम। यू हैव टू गेट द प्रोजेक्ट फाइल फाइल्स, मैम। नो नॉट प्रोजेक्ट फाइल्स, दे आर द प्रैक्टिकल फाइल्स, ओके मैम। ठीक है? यू विल गेट देम फ्रॉम द मार्केट टुमारो, सॉरी येस्टरडे आई टोल्ड यू पीपल अबाउट द फाइल ऑल्सो। ओके सो नाउ शैल आई स्टार्ट विद द असर्शन रीजन क्वेश्चंस? गुड मॉर्निंग, मैंने करवा दिया हुआ है, प्रॉपर फुल फ्लेज डिस्कशन हुआ है यहाँ पे, ये मुझे नहीं पता कब हुआ था बट हो गया है। हाँ जी बच्चे, लेसन ऑफ दिस इज अ सेल चैप्टर से असर्शन रीजन क्वेश्चन। सिटिंग हियर स्टूडेंट्स, यू विल बी जस्ट लिसनिंग टू मी व्हाट आई एम सेइंग एंड देन यू जस्ट गिव द आंसर्स। लिसन टू द क्वेश्चन। असर्शन, ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। सेल्स आर स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, अ सेल कीप्स इट्स केमिकल कंपोजिशन स्टेडी विद इन इट्स बाउंड्री। True. So both are true. Whether the reason is a explanation of assertion? Yes. Is it? Yes. No, it is not a correct explanation. Why it is not the correct explanation? रीजन मैं दोबारा रीड कर रही हूँ। सेल्स आर स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, अ सेल कीप इट्स केमिकल कंपोजिशन स्टेडी विद इन इट्स बाउंड्री एंड असर्शन वाज ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। क्योंकि ये रीजन में बता रहा है कि ये स्ट्रक्चरल यूनिट है एक तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का, तभी तो वो बने हैं ऑर्गेनिज्म सेल के, ठीक है, क्योंकि वो स्ट्रक्चरल यूनिट है, ठीक है। सो लेट मी सी द आंसर ऑल्सो। यस इट इज ए, दैट इज, इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन एज वेल। ओके कमिंग टू द सेकेंड, द स्टूडेंट्स सिटिंग एट होम ऑल्सो, यू मे ऑल्सो प्लीज टेल मी द, यू कैन ऑल्सो टेल मी द आंसर्स बाय रेजिंग योर हैंड। साइलेंट। हाँ जी लिसन, सेकेंड असर्शन, स्पेशलाइजेशन ऑफ सेल्स इज यूजफुल फॉर ऑर्गेनिजम्स। स्पेशलाइजेशन ऑफ सेल्स इज यूजफुल फॉर ऑर्गेनिजम्स। स्पेशलाइजेशन मीन्स, हाँ दे आर हैविंग देयर ओन फंक्शन, है ना, स्पेशलाइज हो जाते हैं। सेकेंड रीजन सुनो, इट इंक्रीजेस द ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ट्रू। हाँ जी धीरेन, वन सेकेंड, बोलो धीरेन। हाँ जी धीरेन बोलो, आई कांट हेयर यू। धीरेन कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? मैम यस मैम, इट्स ए ऑप्शन, इट्स बोथ आर करेक्ट। बोथ आर करेक्ट, बट डज दिस रीजन आल्सो एक्सप्लेन? यस मैम, इट इंक्रीजेस द ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, स्पेशलाइजेशन ऑफ सेल इज यूजफुल फॉर ऑर्गेनिज्म। यस मैम, यस दे आर इंक्रीजिंग द ऑपरेशनल एफिशिएंसी आल्सो, सो यस दे आर ट्रू एंड एक्सप्लेन्स आल्सो। गुड, नोट योरसेल्फ। नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन। जस्ट अ सेकेंड, वट इज हैपनिंग? असर्शन, द नंबर ऑफ सेल्स इन अ मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द बॉडी। द नंबर ऑफ सेल्स इन अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द बॉडी। फॉल्स। असर्शन फॉल्स, एक ही सेट होता है हमारे पास, दैट इज डी आंसर, ठीक है। अभी रीजन तो पढ़ा ही नहीं हमने, क्योंकि assertion है ही false है, तो हमने सीधे ही answer देखा, and that is D. Good. Reason sentence was the cells of biological world are alive. True. है ना? Next is assertion, living organisms possess specific individuality with a definite shape and size. Living organisms possess specific individuality with a definite shape and size. Is it true? Yeah. Living organisms possess specific individuality? Yes. With a definite shape and size? Yes. Reason, both living and non-living entities resemble each other at the lower level of organization. False. Why false? Both living and non-living entities resemble each other at the lower level of organization.
मतलब स्टार्टिंग सेल तो कंपोनेंट्स का बना है ना, कंपोनेंट्स बायो मॉलिक्यूल्स उधर मॉलिक्यूल्स. Assertion true, reason false, answer C according to you. It is wrong. आपका reason true है, मैं वही तो बता रही हूँ आपको, B answer है. Reason का statement सुनो दोबारा. Both living and non-living entities resemble each other at the lower level of organization. Obviously, हमने lower level of organization cell कहाँ से बनता है? Molecule से. मॉलिक्यूल से. और ये नॉन लिविंग चीजें कहाँ से बन रही हैं? मॉलिक्यूल से. तो लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मॉलिक्यूल ही हुआ. वो बात अलग है कि जो लिविंग्स में मिलते हैं मॉलिक्यूल्स, हम उनको बायो मॉलिक्यूल्स कह देते हैं. तो वो तो बच्चे और हायर हो गई ना फिर, कंपेरेटिव टू मॉलिक्यूल्स वो तो हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गए. सेल नहीं होता, पर सेल से नीचे जाओगे तो लोअर लेवल और लोअर है हमारे पास लेवल्स. और मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल से भी लोअर है. एटम्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स के तो बने हैं ना कम से कम. क्या है? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स. नहीं बस स्मॉलेस्ट सेल वायरस. हाँ जी ठीक है. हाँ जी आप तो स्मॉलेस्ट नॉन लिविंग सेल नहीं कहते उसको, सेल होंगे डिजीज कॉजिंग. Disease causing, pathogenic. RBC. RBC is the smallest considered in human body. Otherwise, it is the ganglion cell. Ganglion cell in case of the nervous tissue. Longest. It's not largest, but longest. Nerve cell, neuron. हाँ जी चलो next coming to the. अच्छा ये clear हुआ तो low level पे वो same है, लेकिन अब यहाँ पे वो रीजन भी नहीं है. कैसे? क्योंकि रीजन में वो बोल रहा है कि ये दोनों अलग अलग चीजों, सॉरी लोअर लेवल पे ये रिजेंबल करते हैं, और ऊपर असर्शन में वो बोल रहा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो इंडिविजुअल स्पेसिफिसिटी लाते हैं विद डेफिनेट शेप एंड साइज. फार अबाउट, ठीक है, दोनों सेंटेंसेस है ही नहीं, कनेक्ट हो रहे कहीं. सो दैट मीन्स इट इज बी. कमिंग टू द नेक्स्ट फिफ्थ, दैट इज असर्शन. इट इज इंपॉर्टेंट दैट द ऑर्गेनिजम्स शुड हैव सेल. Yes. Reason, a cell keeps its chemical composition steady with its boundary. True. Is it a reason also, explanation also? Yes. A cell keeps its chemical composition steady within its boundary. So it is important to the organisms to have the cell. Goes with it. Hai na? Ja hi raha hai, dekh lete hain. So this is true and reason is also the same. Correct explanation, A answer. Very good. So you people are getting how to answer. हाँ जी जशन समझ आ रहा है आपको? मैम वो ही कहना था, मुझे नहीं समझ आ रहा, एक बार बेटा समझ. देखो इसमें करना क्या, आपने पहले assertion true है कि नहीं ये ढूंढना है, फिर reason true है कि नहीं ये ढूंढना है. अगर आपका assertion reason दोनों true आ जाते हैं, फिर आपने इन दोनों का connection ढूंढना है कि reason वाला sentence assertion समझाता है या नहीं. अगर वो सेम टॉपिक से होते हैं, मोस्ट ऑफ द कॉमन 99% चांसेस आर, अगर वो सेम सब टॉपिक से होते हैं तो वो ऑब्वियसली रिलेट करते हैं और वो समझाते हैं, ठीक है. एंड दे आर द एक्सप्लेनेशंस, करेक्ट एक्सप्लेनेशन. बट इफ नॉट देन इट इज बी आंसर, जहां वो नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता. आपको चार आंसर दिए होते हैं, ये देखो टॉप पे, ये रहे आपके चार आंसर्स की लिस्ट, ठीक है. सो ये क्या है, दैट इज इफ असर्शन and reason are true, reason is correct, explanation B may not a correct explanation, C may assertion true hai, reason false hai, D may dono hi false hai. ठीक है जशन, तो इस हिसाब से आपने आंसर देने A B C D, ये फिक्स जाते हैं आपके पास, ये फिक्स होंगे फॉर ऑल थ्री सेक्शंस, दैट इज आपके बायो सेक्शंस, सॉरी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, जहां पे भी आपका सेक्शन आएगा वहां पे वो सेम होंगे, ठीक है. It is important that the organism should have cell. ठीक है. Reason was a cell keep its chemical composition steady. क्योंकि वो अपनी chemical composition को steady रखता है, तो इसलिए वो important है कि हर organism में cell हो. है ना? बात जा रही है ना साथ? मैंने सिर्फ English से हिंदी translation किया और मेरे mind में connection बन गया. हैं? Match वाले net पे नहीं मिलेंगे, वो हमारे दिमाग से ही बन के आएंगे.
हाँ जी, सो वन मोर देन वी विल हैव द फर्दर आपके जो डाउट्स हैं, आई कम टू दैट. जस्ट लेसन द लास्ट असर्शन रीजन वन मोर आई एम गोइंग टू डू विद रिस्पेक्ट टू द सेल चैप्टर. Assertion, the number of cells in a multicell organism is inversely proportional to the size of the body. False. ये फिर से repeated है वाक्य, लेकिन reason में लिखा था that all the cells in a biological world are of the same size. False. Reason is also false. पर हमारे पास दोनों both false. D answer. B answer. Both are false. ठीक है. तो ये है हमारे पास कुछ assertion reason questions. I hope you people got it right. And still, if you have any confusion, you can ask me. Anji Dhiren. Beta, Monday ko chutti hai shayad, to Tuesday ko hoga.